वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ वो एक बहुत टाइम के बाद किसी ड्रामे के टीज़र पर होने वाला है, और इसका जो टाइटल है, जो नाम है, वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। बट किसी ने मुझे सेंड किया और बोला कि इस पर आप रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये न्यू है और इसको देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आपकी फेवरेट इसमें इमरान अशरफ है। तो मुझे ये ज़रूर देखना था। नाम अभी तक नहीं पता है बट हाँ, इसमें इमरान अशरफ और उर्वा हुसैन है। तो इसके टीज़र्स दो आ चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और भी टीज़र्स आएंगे, फिर इसका प्रोमो आएगा और फिर उसके बाद इसका OST भी आएगा। अगर OST आ चुका है तो आप लोग प्लीज़ मुझे सेंड ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको भी देखना पसंद करूँगी और उस पर भी रिएक्शन करूँगी। बट उससे पहले हम देखते हैं इसका टीज़र 1 एंड 2। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं एक जिम्मेदार इंसान जिम्मेदारी उठाना और निभाना दोनों जानता हूँ, ये तो दुनिया का उसूल है। जो हक की बात करता है वो अच्छा काम करता है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वकार इस खानदान से जुड़े रहने। Oh my God, जब भी बात मेरी इज्जत पे आती है मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। Just shut up! जान से मार दूंगा तुम्हें। इसका नाम कहीं बदजात तो नहीं? जियो पर आने वाला है ये। ओके, इसका लास्ट वाला डायलॉग आप लोगों ने सुना, कितना अमेजिंग था और इसको बोला कितने अच्छे से है कि बदजात, हाँ हूँ मैं बदजात। और वो जो वॉक थी वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग थी। इमरान अशरफ को मैंने बहुत ही, जिस तरह से इनका चॉकलेटी फेस है, बहुत ही क्यूट से लगते हैं, लेकिन जब इनको ऐसा रोल दिया जाता है इसको बखूबी निभाते हैं वो। इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जो एक्टिंग है वो सिर्फ फेस पर ही नहीं, आँखों में भी नज़र आती है। और इतने आप अपने आप को इतना ज़्यादा ये बदल लेते हैं कि लगता ही नहीं कि हम उस कैरेक्टर को देख रहे हैं जिसका फेस इतना भोला, इतना प्यारा सा है, इतना ढल जाते हैं उस कैरेक्टर में। ये था इसका फर्स्ट टीज़र। अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड टीज़र, देखते हैं उसमें क्या दिखाया जाता है। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा उस टाइप की लग रहा है ये, हो सकता है बहुत डेयरिंग और एंग्री यंग मैन, मुझे ऐसा कुछ फील आ रहा है इसको देखकर, टीज़र को देखकर। सो अभी देखते हैं इसका सेकंड और बताते हैं फिर कि वो कैसा लगा और उसमें क्या दिखाया गया है। लेट्स बिगिन। सेवंथ स्काई प्रिज्म्स। इतनी जान छावर करते हैं सब बोलते हैं, हर बच्चिया एक नंबर की बुद्धू है, कोई भी कुछ कह दे यकीन आ जाता है उसको। मेरी बच्ची है जरा डरपोक, छोटी छोटी बात में सहम जाती। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मुझे तो बस यही फिक्र लगी रहती कि इसका होगा क्या। क्यों बुद्धू कह रही हो उसको? मासूम है, भोली भाली है, झल्ली है। देखो लड़की, इस घर में रहना है, अपनी इज्जत का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। ये बात सुनो मेरी, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब। कोई तुम्हारी पहरेदारी नहीं दे सकता। अगर औकात से ज्यादा मिल रहा है तो खुद को तोप समझने की जरूरत नहीं दिया। मैं अकेली बर्बाद नहीं होंगी, ये सब मेरे साथ बर्बाद होंगी। कमिंग सून, इसका नाम भी देना चाहिए था वैसे, थोड़ा सा आइडिया हो जाता कि ये किसके बारे में है। नाम से भी बहुत असर पड़ता है। चलो खैर, कोई नहीं, नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द नाम भी रिवील हो जाएगा। जैसे संगे माँ का नाम देखा नहीं था हमने जब स्टार्टिंग के टीज़र देखे थे, बट उसके बाद जब उसका नाम पता चला तो नाम मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इतना इम्प्रेसिव है। और मैंने ये वर्ड भी पहली बार सुना था, फिर सबने मीनिंग भी बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा देख कर के। हाँ, आप लोग हमें कमेंट्स से बताते हैं कि इसका ये मीनिंग होता है और इसमें ये कहानी दिखाई आती है। तो बात करते हैं इसकी, तो मुझे ऐसा लग रहा है उर्वा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा चंचल झल्ली टाइप की, जैसी लड़कियाँ होती है ना जिन्हें किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है, उस टाइप का कैरेक्टर है। लेकिन जैसे कि उसकी माँ ने बोला कि वो थोड़ी डरपोक भी है, और लड़कियों का तो होता ही है, दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, नर्म होता है, इतने ज़्यादा डर जाती हैं किसी भी चीज़ से। साथ ही में जो उनके अपोजिट में है वो इमरान अशरफ हैं और एक और कैरेक्टर है, मुझे उनका नाम तो नहीं पता अनफॉर्चुनेटली, आप लोग ज़रूर बताना कौन है वो। और वो हीरो है या हीरो, तो खैर इमरान अशरफ ही है, पर जो दूसरा कैरेक्टर है, दो इसमें हीरो देखने के लिए मिल रहे हैं, आई गेस दो हो सकते हैं। और उर्वा का जो कैरेक्टर है वो
इमरान अशरफ के जस्ट अपोजिट है। इससे क्या होगा कि जो कहानी उसमें ट्विस्ट आएंगे और ट्विस्ट आने के बाद ही आप लोगों को तो पता ही है कि कहानी कितनी ज़्यादा फिर इंटरेस्टिंग होती चली जाती है, देखने में मज़ा आता है। एक तरफ उर्वा है जो बहुत ही झल्ली इनोसेंट प्यारी सी है और दूसरी तरफ इमरान अशरफ का कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है उनसे, तो मज़ा आएगा ये देखकर। और इसके जो और भी टीजर्स आएंगे थर्ड फोर्थ वो भी मैं ज़रूर देखूँगी, उस पर भी मुझे मज़ा आएगा देखकर। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से आए और मैं उन्हें भी देखूँ। और जिसने मुझे ये वीडियो सजेस्ट की है कि आप ये टीज़र देखिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सो गाइज ये था आज का हमारा रिएक्शन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।